Hello everyone, so this is the third part of a video in which I'm going off of chapter 7, the adaptation of animal, in which we have been discussing about the reproduction. So now I'm going to teach or tell you about something of the laying eggs of a frog. Frogs jo hai wo kaise eggs ko lay karte hain. Here the female frogs lay hundreds of eggs. Theek hai, female jo frog hoti hai wo ek saath mein 100 eggs ko lay kar sakti hai. He lay hundreds of eggs at a time in a lake or in a pond. The cluster of eggs is called the spawn. ये ना एक jelly formation में होता है. यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, you can see in this here, ये बहुत ही ज़्यादा jelly formation में होता है. छोटे छोटे दरा से दाने दाने से होते हैं और ये बहुत ज़्यादा as if in a jelly form, ये इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं. You can see in the pictures of from the channel, YouTube channel also. So in this, the frogs eggs, ये जो छोटे छोटे eggs होते हैं, इनको कहा जाता है spawns. They have been said as the spawn. These eggs lies in the jelly like masses, and when the eggs hatch, the young baby frog comes out of from that after the 3 weeks. मतलब और ये जो निकलते हैं जो babies हैं, इनका जो period होता है उस वो होता है सिर्फ 3 हफ्ते का. मीन्स 3 वीक्स का मतलब वही सेम एज इट इज 21 डेज. वी कैन से 21 डेज का भी इनका भी इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इन विच द टैडपोल वाज नॉट द बेबी वाज कम आउट फ्रॉम हियर. जब बेबी जो निकल कर आता है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ फ्रॉग. फ्रॉग की तरह वो बिल्कुल नहीं दिखता. इट जस्ट लुक्स लाइक अ फिश. वो फिश की जैसा दिखता है हियर. ये फिश की जैसा दिखता है. फिर धीरे धीरे करके इसकी जो जो टेल बनती है, फिर ये धीरे धीरे टेल क्या होती है, फिर गायब हो जाती है, गुम हो जाती है. तो ये जो बेबीज निकलते हैं, ये एक तो फिश की जैसा दिखने की वजह से इन्हें टैडपोल्स कहा जाता है. एंड दे लुक्स लाइक अ टाइनी फिशेस एंड द स्विम इन द वाटर. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. उस टाइम पे इनके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. आफ्टर फ्यू वीक्स, बड़े हो थोड़े बहुत बड़े हो जाने के बाद, द लंग्स एंड द लेग्स स्टार्टेड ग्रोइंग इन द टैडपोल फॉर्मेशन. देयर टेल्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड लास्टली डिजअपियर. आफ्टर सम टाइम दे बिकम अ एडल्ट फ्रॉग. और फिर थोड़े दिन के बाद वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते. तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ अ फ्रॉग, कि फ्रॉग कैसे बेबीज ले करता है. सेम हेयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. दिस इज पिक्चर हैज बीन शोन हेयर. द यंग फ्रॉग, जो यंग फ्रॉग होता है वो नॉर्मल एडल्ट फ्रॉग बनता है, बड़ा वाला फ्रॉग बनता है. फिर बड़े वाले फ्रॉग के बाद वो एग्स ले करता है. एग्स ले करने के बाद वो सेम आते थे फिश की तरह टैडपोल बन जाता है. फिर वो फिश वाला जो टैडपोल है, धीरे धीरे जब उसके ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, ऑर्गन्स ग्रो मतलब उसके पैर हाथ पैर जब बढ़ते हैं, तब उसकी जो टेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, छुप जाती है और वो दोबारा से यंग फ्रॉग बन जाता है. तो ये प्रोसेस इनका जो है, इट्स कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है. एंड द सेम एज इट इज द बर्ड्स आर गेटिंग इट द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. सेम एज इट इज दे आर बीन ऑल्सो गेटिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ 21 डेज. इंक्यूबेशन पीरियड इनका भी 21 डेज का होता है. नाउ वी आर बीन गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट फिशेस. फिशेस का क्या होता है, फिशेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग. जहाँ से यहाँ पे जब हमारा फ्रॉग के 100 एग्स हैं, वैसे ही फिशेस के हैं हमारे थाउजेंड्स ऑफ एग. एक टाइम पे फिश बहुत सारे एग्स को लेकर आती है. द एग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पॉन्स. इनके भी एग्स को स्पॉन्स ही कहा जाता है. द यंग बेबी फिश हैच एंड बिकम अ फ्राई. ठीक है. आफ्टर सम टाइम द फ्राई गोज इन टू अ एडल्ट फिश. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इनके अंदर जो टैडपोल होता है, सेम एज फिशेस के अंदर क्या होता है, वो फ्राई. बेबी फ्राई मतलब बेबी, जो बेबी फिश होती है, छोटी छोटी सी बेबी फिश होती है, बाद में एक बड़ी यंग फिश बनती है, देन इट बिकम्स अ एडल्ट फिश. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इट. एंड देन आफ्टर सेम एज इट इज दे आर बीन हैचिंग द एग्स, एंड देन फ्रॉम दैट एग्स इट कम्स इट. आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एग द फिशेस ले एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड बिकम्स बेबी फिश. अदर एग्स आर ईटन बाय द बिग फिशेस. ये जो स्किन के जो एग्स होते हैं, दैट एग्स आर लाइज इन साइड देयर बॉडीज ओनली. इनके जो एग्स वो उनकी बॉडी में ही रहते हैं. और एक और होता है इनका कारण, कि
जब ये लेग्स एग्स को ले करते हैं, जब ये एग्स को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, एट दैट टाइम मेनी अदर एग्स वॉज बीन ईटन बाय मेनी बिग फिशेस, मतलब बहुत सारी बड़ी फिशेस भी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस भी होती है, वो इन एग्स को खा जाती हैं। और वहाँ जहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ले करते हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ एग्स में से कुछ ही, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स ही इनके बेचारों के रह पा जाते हैं। तो रह जाने की वजह से जो उनके बेबीज हैं वो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉग एंड द फिश। नाउ द नेक्स्ट इज अ रेप्टाइल। सो रेप्टाइल्स आर दोज एनिमल्स विच आर बीन लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब वो जो ग्राउंड के ऊपर रेंगते हुए जो चलते रहते हैं, उन सभी को हम रेप्टाइल कहते हैं। अब रेंग के चलने का मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करके नहीं चल सकते, जैसे हम खड़े होकर चल सकते हैं वैसे ही वो अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करके नहीं चल सकते, उन्हें सिर्फ रेंगना ही होता है। तो उनके जो होते हैं, क्या वो बेबीज को जन्म कर देते हैं या फिर एग्स को जन्म देते हैं, वो देते हैं एग्स। इसके अंदर हमारा जो क्रोकोडाइल है जो हमें दिखता है बहुत बड़ा है, नाइन दिस क्रोकोडाइल इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ रेप्टाइल। वाई? बिकॉज इट इज वॉज बिन कमिंग फ्रॉम द लिजार्ड फैमिली, लिजार्ड की जो छिपकली होती है उसकी फैमिली में से ही आता है, दैट्स वाई दे हैव बीन एज अ रेप्टाइल। सो हियर द स्नेक्स हैव बीन देयर, द लिजार्ड्स आर देयर, टर्टल, टर्टल यहाँ पे कछुए को कहा जा रहा है, छोटे जो कछुए होते हैं, जो बड़ा कछुआ होता है उसे टॉर्टोइस कहा जाता है। आर द रेप्टाइल्स विच दे एग्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पे ही अपने एग्स को ले करते हैं। दे डू नॉट हैच देम, ये अपने बेबीज को हैच नहीं करते। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म, दे आर वॉर्म बाय द हीट ऑफ द सन। जैसे मैंने आपको बताया था टॉर्टोइस का जो अपने वो एग्स को मट्टी में छोड़ के चला जाता है, वैसे ही सेम आता है। सो क्रोकोडाइल इज ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, द लिजार्ड्स इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। दे हैव बीन पुटिंग देयर बेबीज इन द सॉइल, मतलब मिट्टी में ही अपने इस बेबीज को ले कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वेर एवर दे हैव बीन लाइंग डाउन, लाइक द क्रोकोडाइल्स हैव बीन लाइंग इन द मार्शी एरिया, मतलब दलदली एरिया में जहाँ पे रहते हैं वो लोग, तो वहाँ पे आधी पानी होता है आधी मिट्टी होती है सूखी मिट्टी, तो वो दलदल जैसी मिट्टी के अंदर वो अपने बेबीज को एग छोड़ देते हैं। सेम एज इट इज जो स्नेक है वो भी सॉइल के अंदर बर्ड होके, मतलब अंडरग्राउंड होकर अपने बेबीज को ले कर देता है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि अपने बेबीज को ये अंडरग्राउंड ही ले कर देते हैं, अंडरग्राउंड ही रख देते हैं, और फिर अपने आप सन की हीट की वजह से इनके बेबीज बाहर निकल के आते हैं, मतलब जो सन की गर्माहट होती है, जो सन की हीट इनको मिलती है, फ्रॉम दैट हीट ओनली दे कीप देम वॉर्म एंड एग्स ले कर पाते हैं ये लोग। सो द रेप्टाइल्स, ऑल द रेप्टाइल्स, काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, दे आर बीन डूइंग द दिस काइंड ऑफ जॉब फॉर लेइंग देयर एंड कीपिंग देयर बेबीज एज फॉर द रिप्रोडक्शन। Here, in this process, snake is one kind of an animal. He eats up the eggs of his own. मतलब यहाँ पे जो स्नेक है, यहाँ पे अपने ही खुद के अंडे ये खा जाता है। Even though he eats up the eggs of the crocodiles also. मतलब यहाँ पे crocodiles के जो eggs होते हैं और जो snake के eggs होते हैं, they have been looks like similar. मतलब एकदम सा सिमिलर जैसे सा दिखते हैं, दिखने में एकदम सा वैसे होते हैं, और इस अपीयरेंस में इनकी सिमिलरिटी सारी एक ही ऐसी दिखती है। तो ये अपने अंडे, उसके अंडे, मतलब क्रोकोडाइल के अंडे को भी खा जाता है। दिस वॉज बिन हेयर विद द स्नेक, स्नेक इस तरीके से काम करता है। सो हेयर नाउ दिस इज गिवन द सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द क्रोकोडाइल। So what that crocodile was been, how the it was been laying the eggs, they have been said that. कि crocodile कैसे अपने eggs को lay करता है। तो crocodile big shallow pit in the sandy bank of a river lay their eggs, मतलब crocodile एक गड्ढा खोदता है, एक shallow गड्ढा खोदता है, कहाँ पर? Rivers के side में, मतलब कि rivers के किनारों पे जहाँ पे वो रहता है, तो रिवर्स के किनारों पे अपना गड्ढा खोदता है और वहाँ पे अपने एग्स को ले कर देता है। द फीमेल क्रोकोडाइल कवर द एग्स विद द सैंड एंड गार्ड देम, उसके बाद वो उन्हें सैंड से, मिट्टी से कवर कर देती है और उसके आसपास ही रहती है अपने
बट अंडों की रखवाली करने के लिए. When the babies hatch out, जब babies बाहर निकलते हैं from the eggs, the mother dig away the sand and set them free. As the young ones are very small, the mother keeps them in a pouch of the bottom of her mouth for some time. तो यहाँ पे जो उनकी मदर होती है, फिर जब वो बेबीज बाहर निकलने वाले तो उनकी तो मम्मा होती है, वो उस मिट्टी को पूरा हटा देती है और अपने सारे बच्चों को वहाँ से मिट्टी में से निकाल लेती है. और मिट्टी में से निकालने के बाद वो सारे बेबीज को यहाँ देखो अपने माउथ के अंदर रखते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट वॉज बेन कीपिंग हज ऑल द चिल्ड्रन इन हिज माउथ. अपने पूरे माउथ में रखती है छोटे छोटे बेबीज को ताकि वो उनकी रखवाली कर सके, ताकि वो उनको खाना खाना खिला सके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेप्टाइल्स. ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा फिशेस के ऊपर, फ्रॉग्स के ऊपर एंड रेप्टाइल्स के ऊपर. रेओस आर बीन लेइंग एग्स. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू से यू अबाउट द इंसेक्ट्स.